ये देखिए, ये बाहर से कितना क्रिस्पी एंड अंदर से कितना स्पॉन्जी है। हाँ फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मेदू वड़ा। इस तरीके की मेदू वड़ा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है एंड इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो फिर चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि देसी चौधरी, का नाम है आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उड़द दाल को पानी में भिगोएंगे। ये देखिए, 4 से 5 घंटा यहाँ पे हो चुका है, दाल यहाँ पे अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे हम 3-4 बार वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, देन हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारी दाल को पीस लिया है। अब हम इस बैटर को फेंटेंगे ताकि हमारी मेदू बड़ा जो है वो अंदर से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने। ये देखिए, हमें इसे इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये थोड़ा सा लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए, 7 मिनट के करीब यहाँ पे हो चुका है बैटर, यहाँ पे कितना फ्लफी हो गया है आपको दिख रहा होगा। तो फिर चलिए चेक कर लेते हैं हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी वड़ा बनाने के लिए फ्लफी बना है कि नहीं। तो उसके लिए हम लेंगे एक बाउल में पानी, देन हम बैटर का एक पोर्शन डालेंगे। देखिए, ये ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा, इसका मतलब हमने बैटर को परफेक्टली फेंटा है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बड़ा बनाने के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है लो मीडियम फ्लेम में। तो फिर चलिए हम बैटर में बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे सूजी 2 से 2.5 चम्मच, देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच फाइनली क्रश्ड जिंजर, 1 चम्मच चॉप्ड ग्रीन चिली, करी पत्ता जिसको मैंने कट करके लिया है, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, स्वाद अनुसार नमक एंड 1 टीस्पून के करीब हींग। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बड़ा बनाएंगे, तो उसके लिए हाथों को अच्छी तरह से पानी में इस तरीके से भिगो लीजिए। देन भिगे हुए हाथों से हम इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लेंगे, हल्के हाथों में थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, देन अंगूठे की मदद से इस तरीके से होल बना लेंगे बीच में से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल भी यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो मैं और एक कप को बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम केयरफुली सारे वड़ा फ्राई करते जाएंगे। तो हम सारे वड़े को मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। ये देखिए, मेदू बड़ा यहाँ पे फ्राई हो चुका है, कितना बढ़िया कलर आया है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम सारे वड़े भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेदू बड़ा यहाँ पे कितना क्रिस्पी बना है बाहर से। अब इस मेदू बड़ा को सांभर के साथ, चटनी के साथ या फिर इस तरीके से मटर आलू मसाला रेसिपी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।